स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से एवन एजुकेशनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर राजक्षेत्र में शिक्षा। दिस इज देवेंद्र शर्मा फ्रॉम एवन एजुकेशनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे यानी वर्ग पढ़ेंगे। आज दोस्तों वर्ग पे हम लोग बात करते हैं, वर्ग यानी स्क्वायर पे हम लोग दोस्तों बात करते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझ जाएंगे स्क्वायर क्या होता है। बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा तो आप अच्छे से जानेंगे। आपकी एक तो वर्ग की कंडीशन होती है, पहली जो प्रॉपर्टीज है कि वर्ग की यानी स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। मान लीजिए ये अगर इसे हमने ए माना है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से वर्ग के चारों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। तो यहां से हम लोग जैसे हमको निकालना है, मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी आप साइड इंटू साइड करेंगे तो ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। इसे अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो भुजा स्क्वायर, अगर इंग्लिश में लिखें तो साइड स्क्वायर भी बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, तो साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, तीनों बात की बात जो है एक ही है। तो आगे हम लोग दोस्तों क्या पढ़ते हैं, जैसे आप परिमाप निकालना, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों वर्ग का परिमाप निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, परिमाप दोस्तों क्या होता है यानी परि मतलब दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, परि का मतलब चारों ओर, माप का मतलब मेजर यानी मापना, यानी चारों ओर की दीवार अगर है तो उसे मापना या कोई चीज है तो उसकी बाउंड्री को मापना। दोस्तों यहां से हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का परिमाप यहां लिखते हैं ए, ये प्लस ए, फिर प्लस ए, प्लस ए, ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब हम जानते हैं, अब इनका हम लोग जोड़ कर देंगे दोस्तों, ये ए चार ए आपके हैं, इन्हें हमें जोड़ना है दोस्तों। तो यहां से चार ए हो जाएंगे, ए यहां से चार ए दोस्तों हम लोग कर लेंगे, ये आपका वर्ग का परिमाप हो गया। ये हम लोग लिख लेंगे बहुत अच्छे से हमें पढ़ाई कर, तो 4a होता है। अब विकर्ण की बात करते हैं, विकर्ण क्या होता है, ये सब हम लोग एक नोट्स बनाएंगे उस पे दोस्तों लिख लेंगे। विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट दो होता है, भुजा रूट दो, यानी इसे हम a रूट टू भी लिख सकते हैं, ये आपका विकर्ण होता है। इतना लिख लेंगे दोस्तों। अब हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं, इसके चारों जो भुजाएं होती हैं वो एकदम बराबर होती हैं दोस्तों, और अगर एक को ए माना है तो आपका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई, जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो आपकी लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए, इसलिए ये ए स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। अगला हम लोग दोस्तों सवाल देखते हैं सीधे, किसी वर्ग की प्रत्येक, मान लीजिए सवाल दिया गया किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल, एक ही सवाल देखेंगे, एक ही में दोस्तों सारा क्लियर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। सारा हम एक ही में लेके चल रहे हैं, विकर्ण ज्ञात कीजिए। इससे अच्छा चैनल दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी वर्ग का अगर प्रत्येक भुजा या हम वर्ग की कर लें, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण क्या होगा। यहां से हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल
वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा इंटू भुजा यानी भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर जैसे साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर हम लोग करेंगे दोस्तों। ए स्क्वायर क्या होगा, ये आपका 10 दिया है यानी आपकी भुजा जो है वो 10 दी है, यहाँ से हम लोग 10 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर मतलब 10 को दो बार लिख सकते हैं, आपस में गुणा कर देंगे, 10 के 10 से गुणा करेंगे दोस्तों 100 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का। यहां से दोस्तों हम लोग अगर वर्ग का परिमाप निकालते हैं, वर्ग का परिमाप यानी पेरिमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, परिमाप आपका क्या हो जाएगा 4a होता है दोस्तों, तो 4a हम लोग करेंगे 4 इंटू आपका 10 दिया है 40 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप। यहां से हम लोग अगर नेक्स्ट आपका निकालना है विकर्ण, विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण दोस्तों ज्ञात करने के लिए विकर्ण आपका भुजा रूट दो होता है, यानी आपकी भुजा भी है 10 और आप रूट दो कर देंगे, ये आपका विकर्ण ज्ञात हो गया। मैं समझता हूं कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बस आप वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल बस शॉर्ट में लिख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप आप देखिए आपका 4a होता है, वर्ग का प्रत्येक विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण आपका भुजा यानी रूट दो, यानी आप a रूट दो भी लिख सकते हैं। इस चीज को आप इतना अपने दिमाग में और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बाकी आपके सारे सवाल इसी से लगेंगे। जैसे एक सवाल हम लोग देखते हैं, एक सवाल दोस्तों देखते हैं, बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ से आपका एक सवाल है, जैसे मान लीजिए कि एक वर्गाकार खेत है, ऐसे बहुत सवाल आते हैं, एक वर्गाकार खेत है, एक यहाँ पे लिख लेते हैं वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा 10 मीटर है, उसके चारों ओर तार बनवाना है, उसके चारों तरफ तार बनवाना है, तो तार की कुल माप क्या होगी, ऐसे सवाल आ जाते हैं कुल माप क्या होगी, तो हम लोग इसे कैसे लगाएंगे दोस्तों, सीधा हम लोग करेंगे आपका 10 मीटर उसका आपकी भुजा दी हुई है, यानी ये अगर 10 है तो हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आप इधर तार बांधेंगे, इधर बांधेंगे, फिर इधर, यानी आप अभी 2 सेकेंड में समझने वाले हैं कि अगर 10 मीटर यहाँ पे लगेगा तो 10 यहाँ पे लगेगा, 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, तो परिमाप के बराबर तार लगेगा जिसपे जितनी उसकी बाउंड्री होगी, यहाँ पे 4 इंटू ए कर देंगे दोस्तों, 4 ए करेंगे तो आपका 4 इंटू ए आपका 10, अगर तो ये आपका निकल के आ गया 40 मीटर आपका तार लग जाएगा दोस्तों, परिमाप के बराबर तार लग जाएगा। अगर खर्चा मान लीजिए इसी में दिया हुआ है, अगर खर्चा 2 रुपए मीटर है तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, तार लगवाने का जो खर्चा है 2 रुपया आपका प्रति मीटर है, तो टोटल यहां से दोस्तों खर्चा अगर आपका 2 रुपया प्रति मीटर है तो मान लीजिए 40 मीटर बनवाने में कितना खर्चा होगा, तो आपका 40 इंटू 2 कर दोगे यानी 80 रुपए का आपका
टोटल तार बनवाने का खर्चा आ जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने परिमाप को ज्ञात किया, अगर मुझे खर्चा दिया होता तो हम लोग ऐसे कर लेते। तो स्क्वायर जहां तक मेरा मानना है कि आपको कंप्लीट हो गया होगा। अगर कोई आपको कमी लगती है, आपको कोई भी आपको लगता है कि हमसे छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बने रहिए एवर एजुकेशनल आपके साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आपसे रूबरू होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।